लिसनिंग ये स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लिसनिंग के बारे में बात करनी है कि लिसनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और ये लैंग्वेज का जो पहला कंपोनेंट है जो सारी बाकी कंपोनेंट्स की बुनियाद बनता है लिसनिंग इज अ फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल दैट प्लेस अ क्रूशल रोल इन द लैंगेज लर्निंग ये लैंग्वेज लर्निंग और कम्यनिकेशन में बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है इट अलाउज़ लर्नर टू कॉम्प्रीह स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज को समझने की मैं मदद देता है डिवेल्प लैंग्वेज प्रोफिशंसी लैंग्वेज की महारत डिवेल्प करता है एंड अफेक्टिव कम्यूनिकेट इन रियल लाइफ कॉन्टैक्ट हकीक़ी ज़िंदगी के पस मंजर में बैकग्राउंड में वो बच्चों को कम्युनिकेट करने ब्लॉक करने करना सिखाता है इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग लिसनिंग की इम्पॉटेंस क्या है लिसनिंगज़ अ फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज एक्विजीशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि लैंग्वेज uh, सीखने का एक्वायर करने का एक बहुत ही पहला कंपोनेंट है और फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की भी बुनियाद है इट इज़ थ्रू लिसनिंग दैट लर्नर्स आर एक्सपोज स्पोकन लैंग्वेज तो जो लिसनिंग के ज़रिए बच्चे स्पोकन लैंग्वेज से का से उनका तारुफ होता है और विच हेल्प्स दम डिवेल्प विकैबलरी ग्रामर जो उनकी विकैबलरी और ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और उनकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप होती है हाउ लैंग्वेज इज यूज इन रियल कॉन्टेक्स्ट के जो लैंग्वेज का प्रैक् यूज़ है रियल सिचुएशन है उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल उसमें सिखाया जाता है तो ये लिसनिंग की इम्पोर्टेंस है लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट हम लिसनिंग की स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन्वॉल्व प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू द वाइड रेंज इन लिसनिंग मटीरियल तो लिसनिंग मटीरियल को आप बहुत बड़ी मकदार में आपको बच्चों को सुनाना चाहिए और उनको फिर प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए सो लर्नर शुड बी एक्सपोज टू अथेंटिक ऑडियो सोर्सेज उनको आ, मुस्तनद आडियो सोर्सेज उनको फ्राहम करने चाहिए वीडियोज़ देनी चाहिए कन्वर्सेशन लैक्चर्स इंटरव्यूज़ टू डिवेल्प देयर लिसनिंग स्किल्स उनके लिसनिंग स्किल डिवेल्प करने के लिए ये देखें आइल्ट में आ, जो आपका एक बहुत टेस्ट है लैंग्वेज सिखाने का तो उसमें सबसे पहले लिसनिंग सिखाई जाती है और लिसनिंग के टेस्ट के लिए फिर आगे वो राइटिंग शुरू करते हैं जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो क्या आपने लिसनिंग करते हुए आपने राइट सही किया तो वहाँ आपकी लिसनिंग का एग्ज़ाम होता है तो बाय रेगुलर प्रैक्टिस लर्नर्स एनहैंस देयर एबिलिटी टू तो अंडरस्टैंड डिफरेंट एक्सेंट्स एंड लेवल्स ऑफ फॉर्मेलिटी तो मुख्तफ डायलैक्ट्स uh, और एक्सेंट्स यानी लहजे सीखते हैं और उनको फॉर्मल लेवल जो है बोलने का लैंग्वेज वो सीखते हैं लिसनिंग स्किल्स की जो अगर आप देखें डेफिनेशन ये मुख्तफ जो लिसनिंग स्किल्स हैं उसमें वो कौन कौन से हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सबसे पहले रिसीविंग रिसीविंग मीन्स हियरिंग और रिसीविंग साउंड्स तो उसमें आपने साउंड्स को रिसीव करना और सीखना है फिर फोकसिंग नेक्स्ट है फोकस करना ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आगे आप करते जा रहे हैं फोकसिंग मीन पेइंग अटेंशन टू द साउंड्स। तो अब आप साउंड्स पर अटेंशन देंगे और डेसीफरिंग तो डेफरिंग से मुराद है मीन्स डी कोडिंग द वर्ड्स आप उन वर्ड्स को डीकआउट करेंगे और उन जो रिसीव किए और उनके मीनिंग्स पर आप फोकस करेंगे और एक्सेप्टिंग तो एक्सेप्ट करना तो मीन्स इंटरप्रेटिंग द मैसेजेस एज इंटेंडेड बाई द स्पीकर तो मैसेज को इस तरह सीखना जैसा कि स्पीकर बताना चाहता है स्टोरिंग मीन पुटिंग द एक्सेप्टेड मैसेज इन माइंड और फ्यूचर फॉर फ्यूचर यूज तो फ्यूचर यूज तो के लिए आप उसको माइंड में रखना और इस तरह करके स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव लिस्निंग तो इफेक्टिव स्ट्रेटीज क्या है सबसे पहले है प्रडिक्टिंग प्रिडिक्ट से मुराद पेश गोई करना एंटिसपेटिंग द कॉन्टेंट और कॉन्टेक्स ऑफ़ द लिस्ट लिसनिंग मटीरियल बिफोर लिसनिंग यानी आप लिसनिंग से पहले जो मटीरियल आपको पेश किया जाना है उसके बारे में आप प्रिडिक्ट करें पेशगोई करें नोट टेकिंग फिर जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो नोट साथ साथ लेते जाएं और ब्रीफ़ नोट्स बनाएं और उनके उनको कैप्चर करें उनके की इन्फॉर्मेशन और के मेन पॉइंट्स को और उनको अपने माइंड्स में रखें और फिर ड्यूरिंग लिसनिंग और फिर उनको आप लिख सकते हैं समराइजिंग फिर जो कुछ आपने सुना है उसको समराइज़ करना यानी उसको तमाम चीज़ों को जिन मेन पॉइंट्स को लिख लेना इनको समरी। सो कंडसिंग एंड पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग होता है अपनी ज़ुबान में लिखना अपने अलफा में लिखना द मेन पॉइंट्स ऑफ द की डिटेल्स ऑफ यानी लिसनिंग में आपने मटेरियल तो बहुत सारा सुना लेकिन अब आपने उसको क्या किया समराइज़ किया और पैराफ्रेज किया और वो तमाम जुज्यात को आपने ब्रीफ अपने अल्फाज में आपने उसको लिख लिया तो ये समराइजिंग है नेक्स्ट uh, स्ट्रेटेजी है आस्किंग फॉर द क्लैरिफिकेशन जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो आप क्वेश्चन करें आप क्लैरिफिकेशन के लिए वजाहत के लिए आप पूछें और अनफेमिलियर वर्ड्स या अनक्लियर इंफॉर्मेशन के हवाले से रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन होता है कि आप एनालाइज और रिफ्लेक्ट करें आपने जो कुछ सुना उसको आप उसको एनालिसिस करें फिर उस पर अपना फीडबैक दें अपनी बात करें और रिफ्लेक्ट करें द कॉन्टेंट एंड मीनिंग ऑफ वट वज़ हर्ड आफ्टर लिसनिंग जो कुछ आपने आ, लिसनिंग के बाद याद किया तो उसको उस पर आप रिफ्लेक्ट करें और उसको लिखें तो ये भी लिसनिंग का एक पार्ट है इंटीग्रेटिंग लसनिंग इंटू लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन अब लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को आप लैंग्वेज इसको जो लिसनिंग को कैसे इंटीग्रेट करेंगे मरबूत करेंगे so, तो लसनिंग इंटिग्रेट इंटू वेरियस एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ़ लिस्निंग स्किल्स लिसनिंग स्किल डिवेल्प करने के लिए आप उनको कुछ स्ट्रेटीज इस्तेमाल करेंगे दीज एक्टिविटीज़ में इंक्लूड लिस्निंग टू डायलाग्स आप डायलाग का सुनना वॉचिंग वीडियोज़ वीडियोज़ देखना इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन तो गुफ्तु में मशगूल होना और इन कारपोरेटिंग लिस्ंग टास्क दैट रिफ्लैक्ट रियल लाइफ सिचुएशन तो ऐसी एक्टिविटीज़ को शामिल करना जो रियल लाइफ सिचुएशन में शामिल हों और टॉपिक्स जो रेलिवेंट हों आपके लर्नर्स इंटरेस्ट उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक एंड नीड कैन इन्हैंस देयर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट वो उनकी मोटिवेशन और एंगेजमेंट को बढ़ा सकें